हम जीआरसी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें प्यासे खाने का इतना अच्छा मौका दिया और गांव की लड़कियों के बारे में इतना सोचा। ये है सुई जीआरसी सेंटर में कढ़ाई बुनाई की ट्रेनिंग देने वाली प्रशिक्षिका सुमन। जीआरसी सेंटर से जुड़ने के बाद सुमन समाज में एक अलग पहचान बनाने के साथ साथ सिलाई कढ़ाई से अच्छी कमाई भी कर रही हैं। सुमन बताती हैं कि कैसे एकल के जीआरसी सेंटर से जुड़कर उनकी पारिवारिक जिंदगी के साथ साथ आर्थिक जिंदगी भी काफी बदल चुकी है। जब से एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन यहाँ आया है, बच्चों को सीखने में बहुत मदद मिली है। जो बच्चे असक्षम थे बाहर जाने में, उनके लिए बहुत फायदा हुआ है। गरीब घर के बच्चे बहुत आते हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इधर आने के बाद उन्होंने ब्लाउज पेटीकोट बहुत कुछ बनाना सीखा है और वो अब अपने घर से भी रोजगार करने के लायक हो गए हैं। वो घर से अपना काम करते हैं और कुछ बाहर भी करने लगे हैं। ग्राम उत्थान रिसोर्स सेंटर में लोगों को सिलाई कढ़ाई के साथ और भी कई तरीके की चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि कंप्यूटर, ब्यूटीशियन और जैविक खेती। जीआरसी सुई में ब्यूटीशियन कोर्स की ट्रेनिंग देने वाली कुसुम बताती हैं कि सेंटर से जुड़कर वो अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हैं और घर वालों की भी मदद कर रही हैं। मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, अपने घर वालों की मदद भी कर रही हूँ। और यहाँ से गांव से बच्चे आते हैं, बलियाली से भी आते हैं, हमारे गाँव से भी आते हैं यहाँ से, तो उनको कुछ नहीं आता था, तो धागा पकड़ना भी नहीं आता था, तो अब वो थ्रेडिंग, फेशियल, सीटीएम और ब्राइडल मेकअप सारा कुछ सीख के अब अपने पैरों पर वो भी कुछ कर रहे हैं। उनकी भी कुछ मदद हो रही है एकल की इस संस्थान की उससे। वहीं जीआरसी ने लाखों ग्रामीण माता पिता के सपनों को भी साकार करते हुए कंप्यूटर ट्रेनिंग लैब के माध्यम से बच्चों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण देकर उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने का काम किया है। ग्राम उत्थान रिसोर्स सेंटर के ट्रेनर विवेक बताते हैं कि उन्होंने बच्चों को एमएस वर्ड, एमएस पेंट, पावर पॉइंट आदि जैसी कई सारी चीजों को सिखाया। कंप्यूटर का प्रशिक्षण लेने के बाद बच्चे किसी भी प्रकार के कंप्यूटर का काम आसानी से कर पाते हैं। साथ ही कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट बच्चों को सरकारी नौकरी मिलने में भी मदद कर रहा है। जो कुछ कुछ लेडीज हैं, जो लड़कियां हैं जो बाहर नहीं पढ़ पाती थी, उनके लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें लगभग एक बैच में कम से कम 18 से बच्चे बैठ सकते थे और प्रतिदिन 3 बैच हुआ करते थे। इस बैच के बाद जो भी हमारे द्वारा पढ़कर आगे गए हैं, उन्हें जो सर्टिफिकेट दिया गया है वो भी सरकारी नौकरियों में काफ़ी सहायकमक है। जो भी जुड़े हुए थे उन्हें हम शिक्षक, शिक्षिका, कंप्यूटर शिक्षा के अलावा हम कल्चर एक्टिविटीज़ और जो भी हमारे जो आदर जैसे करते हैं हम पेरेंट्स को आगे बढ़ो, वो भी सिखाया करते हैं। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस पेंट। यह बैच एक एक महीने के हुआ। ग्राम उत्थान रिसोर्स सेंटर ने ग्रामीण और वनवासी क्षेत्र में रह रहे किसानों को जैविक खेती के फायदे बताते हुए उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव करने का काम किया है। वैसे ही एक किसान है बनारसी, जो कि सुई जीआरसी सेंटर में जैविक खेती करते हैं। बनारसी कहते हैं कि जैविक खेती के माध्यम से वो कम खर्चे में ज्यादा उपज करके आसानी से अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। एकल अभियान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि हम रासायनिक खेती छोड़कर जैविक खेती की ओर आए। आज हम मौजूद हैं सुई गांव में, जहां एक ये जैविक खेत, जितने भी आप हमारे आगे पीछे पौधे देख रहे हैं ये सारे जैविक खेती के पौधे हैं। आपको बैंगन, टमाटर, मूली, गाजर, ये सारे सब्जियां यहां दिखेंगी आपको, ये सारे जैविक है, इसमें ना कोई केमिकल युक्त खाद है, सारे जैविक। तो हमारे साथ इस खेत की रखवाली करने वाले बनारसी जी मौजूद है, जिनसे जानेंगे कि कैसे वो खेती करते हैं और यहाँ कौन कौन से सब्जी उगाए हैं। दादा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। यहाँ कौन कौन से सब्जी आपने लगाई है? यहाँ भिंडी, करेला, आलू, गोभी 3-4 मेल की, और टमाटर हैं, चुकंदर है, मेथी है, धनिया है, और लाल साग है, और ये क्या नाम है, बाकला है, गन्ना है, मटर है और लहसुन है। एक चीज, आप ये इतनी सारी सब्जी लगाया आपने, इसमें खाद कौन से डालते हो? खाद गोबर की डालता हूँ जी। सारे गोबर की? कोई रासायनिक खाद नहीं डालते? नहीं डालता जी, मैं गोबर की डालता हूँ और नीम के पत्तों का सपरा बनाता हूँ, वो सपरा करता हूँ जी। कैसे बनाते हैं उसे? उसको बनाता हूँ जी, उसको एक मटके में डाल के कई 7-8 मतलब इनके पत्ते लेता हूँ, जैसे धतूरा हुआ और ये नीम हुआ,
और दो चार और हैं, उनको सबको मटके के अंदर उनको कूट के उनके अंदर डालता हूँ। डाल के ना उसके अंदर पानी डालता हूँ 4 लीटर, और कम से कम 4-5 किलो वो होनी चाहिए। एक आप कह रहे हैं कि सिर्फ गाय के गोबर डालते हैं, जो भी प्राकृतिक खाद है जैविक खाद है वो डालते हैं, तो जो रासायनिक कहा जाता है रासायनिक खेतों में पैदावार ज़्यादा होता है इसमें कम, तो ये कितना अंतर है, क्या पैदावार में कमी है या कितना फ़ायदा है कितना नुकसान है इसमें? मैंने फ़ायदा लग रहा है जी, उस जो जमींदार करते हैं ना, जो यूरिया डालते हैं DAP डालते हैं, उससे बहुत ज़्यादा मैंने इसमें फ़ायदा लग रहा है जी। कितना फ़ायदा है, जैसे आप? जैसे कि ये थोड़ी ही ज़मीन का नूनी की है, और हर साल इसमें मैंने कम से कम उनसे फ़ायदा लग रहा है कि आधो आध फायदा लग रहा है उनसे। तो आप सीज़न वाइज सारे सब्जियां बोते हो, जो जिस जो सीज़न हो, अभी गोभी का सीज़न चल रहा है, मटर का सीज़न चल रहा है, तो ये सारे सब्जियां इनमें अभी जो आप फसल बीत रहे हैं इनमें कितना फ़ायदा हुआ आपको? इनमें इतना हुआ है जी, हमें गोभी को निकली है, अच्छी निकली हुई है जी। देश के ग्रामीण और वनवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के उत्थान का बीड़ा एकल ग्राम उत्थान सेवा ने उठाया है, जिसके लिए एकल ग्राम उत्थान सेवा लगातार अपनी ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है। भारत के कई जिलों में GRC सेंटर है, उन्हीं में से एक हरियाणा के सुई का GRC सेंटर है, जहां ग्रामीण युवाओं महिलाओं और किसानों को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जाता है।